हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीसियन का जो सेकेंड पेपर होने वाला है उससे संबंधित मैंने आज क्वेश्चन तैयार किया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये टेक्निकल क्वेश्चन है जो कि टेक्नीसियन और रेलवे जेई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विद्युत के झटके से पीड़ित व्यक्ति को क्या प्राथमिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मेन स्विच बंद करके अथवा स्वयं को भू संबंध से पृथक रखते हुए पीड़ित को खींचकर उसे विद्युत संबंध से मुक्त करना चाहिए। ऑप्शन बी है पीड़ित के जूते कपड़े आदि ढीले कर दें और उसे शीत से बचाना चाहिए। ऑप्शन सी है यदि पीड़ित को श्वास लेने में कठिनाई हो रही हो तो उसे कृत्रिम श्वास देना चाहिए। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सभी चीज़ फॉलो करता है जब किसी व्यक्ति को करंट लगता है या तब उस समय ये सारे चीज़ आपको सावधानी बरतने होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है अणु क्या है, अणु के बारे में बताना है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पदार्थ का छोटा तत्व है। ऑप्शन बी है पदार्थ का छोटा कण जिनमें यांत्रिक तथा रासायनिक गुण विद्यमान हो। और ऑप्शन सी है पदार्थ का छोटा कण जिसमें सिर्फ भौतिक गुण विद्यमान हो। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पदार्थ का छोटा कण जिनमें यांत्रिक तथा रासायनिक गुण विद्यमान हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रेडियो तरंगों की गति कितनी होती है। 3×10^6 मीटर पर सेकंड होती है। ऑप्शन बी है 3×10^7 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी है 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड। और ऑप्शन डी है 3×10^9 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड। और आगे चलिए देखते हैं। आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है डीसी क्या होती है। तो डीसी, इसका ऑप्शन देखते हैं। डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट होता है। और ये क्या होती है, वह विद्युत धारा जिसकी केवल दिशा हो। ऑप्शन बी है वह विद्युत धारा जिसमें केवल परिमाण हो। ऑप्शन सी है वह विद्युत धारा जिसकी दिशा और परिमाण परिणाम एक निश्चित दर पर परिवर्तित होती रहती है। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह विद्युत धारा जिसकी केवल दिशा होती है। तो डीसी करंट जो कि नाम से ही स्पष्ट है कि डायरेक्ट करंट होता है, इसका मतलब जो सिर्फ एक दिशी होती है, लीनियर होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला चलते हैं क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे, ओम होता है इसका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओम हो जाएगा। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चंस है, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरे चैनल को अगर जो लोग पहली बार आए हैं यहाँ पर। और यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है वायर बाउंड प्रतिरोधक की तुलना में कार्बन प्रतिरोधक की क्या विशेषताएं हैं। वायर बाउंड प्रतिरोधक की तुलना में प्रतिरोधक की क्या विशेषताएं हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इनका आकार छोटा और भार कम होता है। ऑप्शन बी ये उच्च फ्रिक्वेंसी परिपथों के लिए अधिक उपयोगी होता है। और ऑप्शन सी इनका तापक्रम गुणांक कम होता है। और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनका आकार छोटा होता है और ये उच्च फ्रिक्वेंसी के होते हैं और इनका तापक्रम जो तापमान का गुणांक होता है वो भी कम होता है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर परिवर्तनी मान वाले वायर बाउंड प्रतिरोधक को क्या कहते हैं। तो परिवर्तनी मान वाले वायर बाउंड प्रतिरोधक को समायोजनी, ऑप्शन ए समायोजनी है, ऑप्शन बी है रियोस्टेट, ऑप्शन सी है टेप्ड, ऑप्शन डी है पावर रेटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रियोस्टेट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
रजिस्ट्रेड मतलब क्या होता है, धारा नियंत्रक भी होता है जो धारा को नियंत्रण करने में काम आता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बैटरी से क्या तात्पर्य है, तो बैटरी से क्या तात्पर्य है इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए है सेल, ऑप्शन बी है सेलों का समूह, ऑप्शन सी है प्राइमरी सेल और ऑप्शन डी है सेकेंडरी सेल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेलों का समूह, ये बैटरी से तात्पर्य है। और आप लोग कुछ लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और जितने भी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप्स में आप शेयर कीजिए ताकि पढ़ने वालों को फायदा हो सके। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। आगे देखिए है वह इलेक्ट्रोड जिसके द्वारा विद्युत धारा बिलियन से बाहर आती है क्या कहलाती है। तो वह इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड आप लोग जानते ही होंगे बैटरी के लिए यूज किया जाता है बैटरी में। तो ये एक होता है कैथोड होता है, एक एनोड होता है, ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, और ये एक पात्र में बंद रहता है जिसमें इसका भरा होता है जल। और इसमें देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ है एनोड, ऑप्शन बी है कैथोड, ऑप्शन सी है वोल्टिक सेल और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनोड, क्योंकि जो भी विद्युत धारा होती है वो एनोड से निकलकर कैथोड की ओर आती है, मतलब बिलियन से बाहर आती है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन आयंस तांबे की छड़ पर पहुंचकर उसे क्या बना देती है। हाइड्रोजन आयंस आप लोग जानते ही होंगे, हाइड्रोजन आयन जो कि तांबे की छड़ से निकलती है, तांबे की छड़ पर पहुंचती है तो उसे क्या बनाती है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ऋणात्मक, ऑप्शन बी है धनात्मक, ऑप्शन सी है सल्फेट आयंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनात्मक बना देती है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ रिएक्शन करना है आपको, रिएक्शन बनाना है। ये अभी क्रिया दिया हुआ है MnO2 प्लस 2H और इक्वल टू, यहाँ पर देखिए Mn2O3 है तो यहाँ पर खाली जगह पर भरना है। तो सिंपली यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका यहाँ पर सभी इसकी संयोजकता जो है वो मैच कर जाएगी। आप यहाँ पर देख लीजिए Mn2 हो गया, यहाँ पर 2 Mn हो गया। ठीक, इसके बाद O2 यहाँ 2 से इंटू होगा तो O4 हो जाएगा, यहाँ O3 है तो यहाँ 2H पहले से ही है तो यहाँ पर H2 हो जाएगा और प्लस O1 बच जा रहा है तो यहाँ H2O हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो एक लैक्लांसी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है। तो एक लैक्लांसी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, इसका ऑप्शन ए है 1 वोल्ट, ऑप्शन बी है 1.5 वोल्ट, ऑप्शन सी है 2.5 वोल्ट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.5 वोल्ट। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मीटर जो प्रतिरोध को मापता है क्या कहलाता है। तो प्रतिरोध का मापन जो करता है उसे क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है अमीटर, ऑप्शन बी है मल्टीमीटर, ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर और ऑप्शन डी है ओम मीटर। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओम मीटर। ओम मीटर से प्रतिरोध का मापन किया जाता है। और पहली बार जो लोग देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबाएंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी चालक में आवेश के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं, मतलब कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वोल्टेज, ऑप्शन बी है प्रतिरोध, ऑप्शन सी है विद्युत धारा और ऑप्शन डी है EMF विद्युत वाहक बल। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तापमान बढ़ने से कार्बन का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। तो तापमान बढ़ने से कार्बन का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है, बढ़ता है, ऑप्शन बी है शून्य हो जाता है, ऑप्शन सी है स्थिर रहता है और ऑप्शन डी है घटता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घटता है। इसके बाद देखिए नाइक्रोम तारों का प्रयोग प्रायः किसके लिए होता है।
तो नाइक्रोम तारों का प्रयोग प्राय किसके लिए होता है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। हीटिंग एलिमेंट के लिए होता है, ऑप्शन बी है फिलामेंट लैंप के लिए, ऑप्शन सी है फ्लोरोसेंट लैंप ट्यूब के लिए, ऑप्शन डी है मोटर बाइंडिंग के लिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, नाइक्रोम तारों का प्रयोग होता है हीटिंग एलिमेंट के लिए। आप लोग देखे होंगे हीटर वगैरह में जो क्वाइल यूज किया जाता है, जो एलिमेंट यूज किया जाता है, वो नाइक्रोम तार का ही बना होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आयन से आप क्या समझते हैं, आयन से क्या समझते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। आवेशित अणु होता है, या आवेशित परमाणु होता है, या केवल सी होता है, मतलब सी में जो दिया हुआ है आपका, सॉरी केवल ए होता है, आवेशित परमाणु या ए बी दोनों। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका आवेशित परमाणु होता है। आयन से आप क्या समझते हैं, तो आयन आवेशित परमाणु होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट करके ये बताइए हमें कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये लाइव क्लासेस लिया जाए, तो मैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं लाइव क्लास लेने के लिए तैयार हो जाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब उसके लिए ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको लाइव क्लास जब लिया जाए तो आप लोगों को परेशानी ना हो। तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा लाइव क्लासेस होने से। ठीक है, तो अगला चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सोलर बैटरी क्या करती है, तो सोलर बैटरी का कार्य क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ऑप्शन बी है सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, या ऑप्शन नंबर सी है सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ऑप्शन नंबर डी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसका सही आंसर जो होगा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, तो यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबक किस प्रकार का चुंबक होता है, स्थायी होता है, स्थायी चुंबक होता है, या ऑप्शन बी अस्थायी चुंबक होता है, ऑप्शन सी दोनों होता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों होता है, मतलब कि स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक दोनों होता है। ठीक है, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। आगे चलिए देखते हैं। यदि किसी दाएं हाथ वाले कार्क के पेच को चालक के साथ इस प्रकार रखा जाए कि वह विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में आगे बढ़े, तो उसे उसके हैंडल की घुमाव की दिशा किस ओर दिशा को दर्शाएगी। तो ये किस ओर दिशा को दर्शाएगी, तो ये फ्लक्स की दिशा को दर्शाएगी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो विद्युत ऊर्जा की इकाई इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है किलोवाट, ऑप्शन सी है जूल, और ऑप्शन डी है किलोवाट घंटा। तो इसका सही आंसर जो होगा विद्युत ऊर्जा की इकाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किलोवाट घंटा होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन वो है, एमकेएस पद्धति में कार्य की इकाई क्या होती है, तो एमकेएस पद्धति में कार्य की इकाई क्या होती है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। वाट सेकेंड होती है, ऑप्शन बी है किग्रा होती है किलोग्राम, ऑप्शन सी होती है किलोवाट, या ऑप्शन नंबर डी किलोवाट घंटा। तो एमकेएस पद्धति में कार की मात्रा जो होती है, मात्रक होती है, वो वाट सेकेंड होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एडिसन सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो एडिसन सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, या ऑप्शन बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, या ऑप्शन सी है निकिल हाइड्रेट होता है, या ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रिक एसिड। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, KOH, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहेंगे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो, बैटरी की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है, तो बैटरी की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है, इसका ऑप्शन है एम्पियर
घंटा, ऑप्शन बी है एम्पियर बोल्ट, ऑप्शन सी है प्रतिशत, ऑप्शन डी है बोल्ट। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम्पियर घंटा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, चार्ज सेल का अपेक्षित घनत्व क्या होता है। तो चार्ज सेल का अपेक्षित घनत्व तो क्या होता है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1.25, ऑप्शन नंबर बी है 1.2, ऑप्शन नंबर सी है 1.10 और ऑप्शन नंबर डी है 1। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.25। ये चार्ज सेल का जो चार्ज हुई हो जाती है बैटरी फुली चार्ज जो रहती है उसकी अपेक्षित घनत्व 1.25 होती है। और इसके बाद चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, डिस्चार्ज सेल के इलेक्ट्रोलाइट घोल का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। तो डिस्चार्ज सेल जो होता है उसके इलेक्ट्रोलाइट घोल का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। इसका ऑप्शन अभी पिछला क्वेश्चन देखे थे कि चार्ज सेल जो पूरी तरह से चार्ज हो, और इस बार है कि पूरी तरह से डिस्चार्ज जो बैटरी है उसकी इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व कितना होता है। तो इसका ऑप्शन है 1.25, ऑप्शन बी है 1.20 और ऑप्शन सी है 1.28, ऑप्शन नंबर डी है 1.30। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1.20। डिस्चार्ज सेल का अपेक्षित घनत्व इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.20 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबक में ध्रुव की ध्रुवता ज्ञात किससे की जाती है। तो चुंबक में ध्रुव की ध्रुवता ऑप्शन नंबर ए है सिरे के नियम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है कार्क स्क्रू नियम द्वारा। तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिरे के नियम द्वारा हम चुंबक के ध्रुव की ध्रुवता ज्ञात कर सकते हैं। और एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि आप लोग इलेक्ट्रिशियन और रेडियो टीवी जो भी है फ्रिज वगैरह ये सब आप जितने भी ट्रेड हैं जो कि इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड है उन सभी के लिए ये फ़ायदा है, ये वीडियो सभी के लिए काम आएगा। और रेलवे जेई में इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये ज़्यादातर काम में आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है। तो रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है, इसका ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी है एम्पियर टर्न और ऑप्शन सी है मैक्सवेल और ऑप्शन डी है एम्पियर टर्न प्रति। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है रिलक्टेंस की इकाई। रिलक्टेंस को हिंदी में प्रतिस्तंभ भी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि रेडियो परिपथ में उच्च आवृत्ति पर प्रयोग होने वाला लौह कोर पदार्थ किस मटेरियल का बना होता है, किस पदार्थ का बना होता है यहाँ पर बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए है फेराइट का बना होता है, या ऑप्शन नंबर बी निम्न चुंबकशीलता वाला पदार्थ का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी उच्च चुंबकशीलता वाला पदार्थ का बना होता है, ऑप्शन नंबर डी पदार्थ जो कि क्षति और इंडक्टेंस दोनों का काम करता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेडियो परिपथ में उच्च आवृत्ति पर प्रयोग होने वाला लौह कोर पदार्थ फेराइट का बना होता है, फेराइट धातु का बना होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो स्थायी चुंबक पदार्थ चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए है पीतल का, ऑप्शन नंबर बी है इस्पात का, ऑप्शन नंबर सी है गर्म लोहा का और ऑप्शन नंबर डी है तांबा का। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इस्पात का प्रयोग किया जाता है स्थायी चुंबक बनाने के लिए। ठीक है, और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे देश में एसी उत्पन्न करने के लिए सामान्य आवृत्ति कितनी होती है। तो हमारे देश में एसी उत्पन्न करने के लिए ऑप्शन नंबर ए है इसका देख लेते हैं 60 हर्ट्ज होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी 25 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी 50 हर्ट्ज या ऑप्शन नंबर डी 30 हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है 50 हर्ट्ज पर यहाँ पर हमारे देश में एसी जनरेशन होता है, बिजली का उत्पादन होता है 50 हर्ट्ज पर।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसी जनरेटर की प्रति किलोवाट निर्माण लागत कितनी होती है? तो वो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डीसी से अधिक होती है, या ऑप्शन बी डीसी जनरेटर से कम होती है, ऑप्शन सी डीसी जनरेटर के समान होती है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर कौन सही हो जाएगा, तो ये डीसी जनरेटर से कम होती है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, डीसी जनरेटर से कम होती है एसी जनरेटर की लागत, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध कैपेसिटी परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? तो शुद्ध कैपेसिटी परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, शून्य होता है, या अग्रगामी होता है, ऑप्शन सी पश्चगामी होता है, या इकाई पावर फैक्टर होता है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध कैपेसिटेंस पूछा है। इसी तरह यहाँ पर शुद्ध इंडक्टेंस पूछ देगा तो उसका भी शक्ति गुणांक शून्य होता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलिए देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, आवृत्ति के घटने से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात पर क्या असर पड़ेगा? तो आवृत्ति के घटने पर परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात पर क्या असर पड़ेगा? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है घटेगा, या ऑप्शन नंबर बी है बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सी समान रहेगा, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका फार्मूला पहले देख लेते हैं क्या होता है इंडक्टिव प्रतिघात का, जो कि एक्स एल बराबर होता है, एक्स एल बराबर होता है 2 पाई f l। तो 2 पाई f l होता है, तो इसका सिंपली आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो सीधे सीधे आपका प्रतिघात कम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, वोल्टेज सप्लाई पर तीन शाखाएं समांतर में जुड़ी हैं, कौन सा परिमाण समान होगा? तो वोल्टेज सप्लाई पर तीन शाखाएं समांतर में जुड़ी हैं और कौन सा परिमाण समान रहेगा? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, प्रत्येक शाखा में धारा समान होगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक शाखा का शक्ति गुणांक समान होगा, ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक शाखा का फेज अंतर समान होगा, या ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक शाखा पर वोल्टेज समान होगा। तो तीन शाखाएं यहाँ देखिए समांतर में जुड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक शाखा पर वोल्टेज समान होगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो परिपथ का विभवांतर मापने वाला मीटर कहलाता है, क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर कहलाता है, या अमीटर कहलाता है, या ऊर्जा मीटर कहलाता है, या ऑप्शन नंबर डी ओम मीटर कहलाता है। तो विभवांतर को हम वोल्ट मीटर से मापते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डीसी जनरेटर क्या होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक। ऑप्शन बी है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक। ऑप्शन सी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और ऑप्शन नंबर डी है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डीसी जनरेटर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बड़ी क्षमता जनरेटरों के लिए किसके भरोसों का प्रयोग किया जाता है? मतलब बड़ी क्षमता के, बहुत अधिक क्षमता के जो जनरेटर होते हैं उसके लिए कौन सी ब्रूस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कार्बन ब्रूस का, ऑप्शन नंबर बी है तांबा ब्रूस का, ऑप्शन नंबर सी है एल्युमिनियम का, और ऑप्शन नंबर डी है पीतल का। तो यहाँ पर बड़ी क्षमता के लिए जो भी दिया हुआ है जनरेटर का, जनरेटर में ब्रूसों का प्रयोग किया जाता है, वो है कार्बन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। अगला क्वेश्चन है, जनरेटर में अवांछित क्षति है, तो जनरेटर में अवांछित क्षति है तो विंडेज क्षति होती है, या फिर लौह तथा घर्षण क्षति होती है, ऑप्शन नंबर सी तार क्षति या घर्षण क्षति होती है, या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त तीनों होती है।
तो यहाँ सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लौ तथा घर्षण क्षति होती है जनरेटर में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर एक होता है कैसा युक्ति है, घूर्णन युक्ति है या स्थैतिक युक्ति है या विद्युत स्थैतिक युक्ति है या फिर चुंबकीय युक्ति है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस होता है, स्थितिक युक्ति होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है या पारस्परिक इंडक्शन के सिद्धांत पर या ऑप्शन नंबर सी है फैराडे का विद्युत चुंबक इंडक्शन नियम पर या फिर ऑप्शन नंबर डी है स्वतः व पारस्परिक इंडक्शन दोनों पर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो इसका ऑप्शन है 95 से 98% या 90 से 95%, ऑप्शन नंबर सी है 85 से 90%, ऑप्शन नंबर डी है 80 से 85%। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है वो 95 से 98% होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर जनित करता है, क्या जनित करता है, तो डीसी जनित करता है या फिर एसी का उत्पादन करता है या डीसी और एसी दोनों का उत्पादन करता है या स्पंदित डीसी का उत्पादन करता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्टरनेटर एसी का उत्पादन करता है, प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन करता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरेटर जो रोटर को डीसी सप्लाई देता है कहलाता है, जनरेटर जो रोटर को डीसी सप्लाई देता है वो कहलाता क्या है, ऑप्शन ए है कन्वर्टर कहलाता है, ऑप्शन बी एक्साइटर उत्तेजक कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इन्वर्टर कहलाता है या ऑप्शन नंबर डी रेक्टिफायर कहलाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तेजक। उत्तेजक का काम होता है कि वो रोटर को डीसी सप्लाई देना होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बेलनाकार प्रकार के रोटरों में प्रायः कैसी प्राइम मूवर प्रयोग होती है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है उच्च गति, ऑप्शन बी है निम्न गति, ऑप्शन सी है मध्यम गति, ऑप्शन नंबर डी है निम्न और उच्च गति। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च गति के प्राइम मूवर का प्रयोग किया जाता है बेलनाकार प्रकार के रोटरों में। ठीक है, और आप लोग यहाँ से नीचे देख रहे हैं, लिंक दिया हुआ है फेसबुक पर, आप लोग ये सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर का पेज है, आप लोग यहाँ से लाइक कर सकते हैं, इस लिंक पर जाकर आप लोग पेज लाइक करें, वहाँ पर आपको सारे नोट एग्जाम से रिलेटेड बातें बताई जाती हैं और भी नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है वहाँ से। ठीक है, तो आप लोग पेज को ज़रूर लाइक कीजिए। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नियंत्रक घुमाव बल का प्रकार है, तो स्प्रिंग नियंत्रण होता है, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वीय नियंत्रण होता है, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय आकर्षण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो प्रकार के नियंत्रण हैं ये तीनों नियंत्रण घुमाव बल प्रकार के हैं और इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कैनिंग से क्या तात्पर्य है, तो स्कैनिंग से क्या तात्पर्य है, स्कैनिंग से इसका ऑप्शन नंबर ए है फिंगरप्रिंट, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉन पुंज, ऑप्शन नंबर सी है टीवी ट्रांसमीटर, ऑप्शन नंबर डी है इमेज आर्थिकॉन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्कैनिंग से इलेक्ट्रॉन पुंज का तात्पर्य है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि स्टेशन ट्यूनिंग के समय बहुत अधिक शोर होता है तो क्या कारण संभावित होता है, यदि स्टेशन ट्यूनिंग के समय बहुत अधिक शोर होता है तो क्या कारण संभावित है, गैंग कैपेसिटर सही है, ऑप्शन नंबर बी गैंग कैपेसिटर दोषयुक्त है, ऑप्शन नंबर सी बैटरी कमजोर है, ऑप्शन नंबर डी बैड स्विच गंदा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैंग कैपेसिटर दोषयुक्त है। ठीक है, इसके बाद आगे चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो सीबी परिपथ, मतलब कॉमन बेस परिपथ में उच्च, सॉरी यहाँ कलेक्टर बेस है,
ठीक है, कलेक्टर बेस परिपथ में उच्च आउटपुट इम्पीडेंस कितना होता है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1 से 10 मेगा ओम, ऑप्शन नंबर बी है 2 से 20 मेगा ओम, और ऑप्शन नंबर सी है 2 से 12 मेगा ओम, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 से 20 मेगा ओम आउटपुट इम्पीडेंस होता है कलेक्टर बेस परिपथ का। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का मुख्य मूल संयोजन कौन सा है? तो ट्रांजिस्टर का मुख्य मूल संयोजन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सरणिष्ठ बेस, ऑप्शन नंबर बी है सरणिष्ठ एमिटर, ऑप्शन नंबर सी है सरणिष्ठ कलेक्टर, मतलब कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज के 50 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। आप लोग इस जो भी मैंने पढ़ाया उन सभी को अगर आप लोग खुद से रिवाइज करना चाहते हैं तो वीडियो को देखकर आप 1 से 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार मन करे उतनी बार आप वीडियो देखकर आप प्रैक्टिस अपना कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर पढ़ना चाहते हैं इसे तो मैं उसके लिए एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि वेबसाइट है इसका, और वहाँ से आप लोग इसके सारे जो भी नोट्स वगैरह हैं और भी पढ़ाई से स्टडी मटेरियल आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल का आइकन पर क्लिक जरूर करें, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग लाइव क्लासेस करना चाहते हैं या नहीं, और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।